प्रमुख अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। कोरोना संकट के बीच निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर नायता मुंडला बाईपास पर व्यापारियों के यहां नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने छापेमार कार्यवाही कर अवैध रूप से सप्लाई फल फ्रूट और सब्जियों के भंडार का किया भंडाफोड़। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आमजन का हौसला बढ़ाते हुए पार्षद की बेटी ने कोरोना से डरने का नहीं बल्कि लड़ने का संदेश दिया। कोरोना पॉजिटिव शिवांगी ने अस्पताल में मरीजों को अपने कथक नृत्य से हौसला बढ़ाकर इस समस्या का डटकर सामना करने की बात कही। आइए दिखाते हैं वायरल वीडियो। नमस्कार दोस्तों, शिवांगी भूपेंद्र चौहान 10 मई को मेरे व मेरे परिवार के 6 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और हम डर गए थे, पर मेरे दादा पापा व अरविंदों के सभी डॉक्टर ने हमें हिम्मत दी कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आज दिनांक 16 मई तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ। मुझे विश्वास है जल्द हम सब की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी और हम कोरोना को हरा देंगे। आप सभी से मैं यह कहना चाहती हूँ कि कोरोना से डरे नहीं, हमें उससे भगा देना है। अरविंदो के सभी कोरोना योद्धाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ जो सभी की इतनी अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। सैल्यूट सभी डॉक्टर, स्टाफ और सफाई कर्मचारी। कोरोना से लड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंदौर, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंदौर। जय भारत, जय हिंद, जय माहौलिया। धन्यवाद। अब कोरोना संकट के बीच पलायन कर रहे लोग हादसों का लगातार शिकार हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग हादसों का मार्ग बन गया है। ताजा मामला महाराष्ट्र से यूपी जा रहे मजदूरों का सामने आया है, जहां वाहन दुर्घटना पर यूपी के एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अन्य 3 लोग घायल हुए हैं। घटना ओझर चौकी अंतर्गत हुई है। दूसरा हादसा सेंधवा बॉर्डर स्थित बिजासन घाट पर हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पति पत्नी सहित 2 बच्चे शामिल हैं। सूत्रों की माने तो परिवार बाइक से मुंबई से लौटकर अपने घर जा रहा था। अचानक बिजासन घाट पर मुंबई की ओर जा रहा टैंकर का ब्रेक फेल हुआ और यह हादसा हुआ। कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन में बदमाशों के हौसले बुलंद। इस विकराल परिस्थिति के बीच बदमाशों ने हिंदू युवा वाहिनी नेता पर प्राणघातक हमला किया और फरार हो गए। घायल को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कैसी हालत है उनकी अभी? ये थाना धौलाना क्षेत्र का एक रहने वाला युवक है मोहित, जिसको गोली मारने की घटना हुई है। लगभग 3:30-4 बजे के आसपास की घटना है। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, तत्काल पीड़ित को घायल अवस्था में तुरंत देवनंदिनी अस्पताल लेकर आया गया है। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। डॉक्टरों के द्वारा अभी प्राथमिक रूप से जो उपचार किया है, उसके आधार पर डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि अभी स्थिति स्थिर है और खतरे से बाहर है। बाकी इसका व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है। कहाँ गोली लगी है सर? गोली पेट में लगी हुई है और गोली लगने की इस घटना के ऊपर तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जो आरोपी है उनकी तलाश की। कुछ कारण पता चल पाया है क्यों मारी गई, किसने मारी है? अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें युवक के द्वारा कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं बताया गया है। खेत से लौटते समय की अचानक ये घटना बताई गई है। इसमें और गहराई से छानबीन की बता रहे। कुछ दिन पहले एक सेक्रेटरी का शराब पार्टी का वीडियो भी वायरल किया था और गांव के प्रधान से भी कुछ रंजिश पता चल रही है फिलहाल। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इसमें तथ्यों को हम ध्यान में रखकर और छानबीन कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी होगा कि कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, लेकिन इसमें गहराई से जाँच की जा रही है और जाँच करके इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने के साथ शुरू हुए चौथे चरण के बाद किसानों का सब्र का बांध अब टूट गया है। ऐसी स्थिति में किसान परेशान है और सब्जियों को लेकर लाखों का नुकसान झेल रहा है। इसी बीच खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के ग्राम कतर गांव क्षेत्र के किसान सब्जियों को लेकर बेहद परेशान है और लाखों का नुकसान उठाने को मजबूर भी है। इसका कारण लॉकडाउन होने के कारण हमारी फसल कहीं जगह भी जा नहीं रही है, मंडियां बंद हो गई है। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर मंडी करीबन 1-1.5 महीने से बंद है, उसके कारण हमें पिसवाना पड़ रहा है और आगे भी हमें अगली फसल के लिए हमारा खेत तैयार करना है। अच्छा, ये प्रति एकड़ कितना नुकसान हुआ आपको? हमारा प्रति एकड़ इसमें खर्च करीबन 25,000 रुपये एकड़ का है और हमें मुनाफा करीबन 50-60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हो सकता था।
अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।